मेरा एक सुझाव है कि 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार करने जा रही है, दुष्प्रचार करने जा रही है कि राहुल गांधी जी का वक्तव्य ओबीसी विरोधी है, उसके पहले लाखों FIR दर्ज होनी चाहिए इस बात का कि न नीरव मोदी ओबीसी, न ललित मोदी ओबीसी और न ही पूर्णेश मोदी जिसने FIR दर्ज किया है, ओबीसी को बदनाम किया जा रहा है। ये ओबीसी के हैं नहीं, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, पटेल हो, जाट समाज का हो, सैनी हो, सबको घसीटा जा रहा है कि तुम भ्रष्ट हो, इसलिए इनके खिलाफ डिफेमेशन सूट होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। उसके पहले दर्ज होना चाहिए कि राहुल जी ने किसी ओबीसी के बारे में नहीं बोला है, लेकिन ओबीसी को बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरा यह सुझाव है, क्योंकि सेंटिमेंटल मामला है, जाति के नाम पर बड़ी तेजी से चीजें चली जाती हैं, इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी का भी मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि बिना वजह से ओबीसी को बदनाम किया जा रहा है कि ओबीसी के लोग रुपया लेके भाग गए। वैसे नरेंद्र मोदी जी भी जन्मजात ओबीसी नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में ओबीसी हो गए हैं, वो भी जन्मजात नहीं है। तो मेरा तो यह एक प्रस्ताव है, मुझे याद है कि मैं स्टूडेंट था जब मंडल कमीशन लागू हुआ था ओबीसी के लिए, तो इस देश में रथ लेकर के कौन निकला था? अडवाणी जी निकले थे, और उसी के वजह से आज बीजेपी इतना पनपी है, अर्थात पिछड़ों का विरोध करके आज बीजेपी यहां आई है। मंडल के विरोध में कमंडल इन्होंने ही चालू किया था। कास्ट सेंसस की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध में आ जाती है। अभी एक वायर ने एक स्टोरी किया है जिसमें कहा कि ओबीसी SC ST का मंत्रालयों में कोई सिग्निफिकेंट पोस्टिंग नहीं है, ये कहां से ओबीसी के शुभचिंतक हो गए? मेरा एक सुझाव है। दूसरी बात यह है कि जो 9 साल में नहीं हुआ था, राहुल जी ने मौका दे दिया है हम सब लोगों को, एक गार्ड अपॉर्चुनिटी है। नौकरियां कैसे खत्म हो रही हैं? अडानी को बेचने से, प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण की वजह से। 3 मिनट तो हुआ नहीं भाई, अभी 3 मिनट तो होने दीजिए, क्या तरीका? 1.5 मिनट हुआ, मैं देख रहा हूं यहां पर। तो ये जो करोड़ों युवा है, आज कई यहां के मुखर्जी नगर के भी युवा आए हैं, जहां लाखों मुखर्जी नगर में यूपीएससी के लिए, तमाम नौकरियों के लिए कमरा लेके रहते हैं, मोनिका में, राजेंद्र नगर में रहते हैं। राहुल जी आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये सारे बेच दिए जाएंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये केवल कांग्रेस की जीतने की लड़ाई नहीं हो रही है, ये युवाओं को नौकरी देने की भी लड़ाई हो रही है, इसलिए उनको अपने स्तर पर उतरना चाहिए, यह भी मैं अपील करना चाहूंगा। एक बात और मैं कहते हुए बात को समाप्त करूंगा कि असंगठित कामगारों के लिए जो कांग्रेस ने किया, तमाम सारे कानून बनाए, एक मनरेगा भी है जो सबसे कम बजट इस बार इस सरकार ने किया है, यानी राहुल जी वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।